अच्छा, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। वहां की स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरु जी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में तो उन्होंने भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो आप, ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ठीक है नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों, नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है। तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलोर हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं, ए मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे हैं कि इस ये लोगों का देश दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमको क्या, हमेशा वो इस भाषा में बोल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो, मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं, और इस पे वोटिंग भी हो सकता है रेजोल्यूशन अगर हुआ तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा करने के लिए मणिपुर के इंसिडेंट पे, ये मामूली इंसिडेंट नहीं है, इसका राजस्थान से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से करो, वेस्ट बंगाल से करो, यूपी से करो, फलाने स्टेट से करो, ये इश्यू अलग है। तो प्रधानमंत्री दिशाहीन हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, और साथ ही ये कहते हुए कि हम तो चाहते हैं मणिपुर मामले पर चर्चा हो। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।